हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे जो नंबर है उसे कैसे सेव करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं और आपको सिखाएंगे कैसे आपको ऐड करना है। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नंबर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में है। इसे हम कैसे ऐड करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस नंबर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इधर से इंटरफेस दिखता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर ऊपर में तीन डॉट दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप इसके नाम, यहाँ पे देखिए कॉल आइकन के बाजू में यहाँ पे तीन डॉट है, इस पर आपको ध्यान से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे सर्च, और यहाँ पे वॉलपेपर, और यहाँ पे मोर का ऑप्शन भी शो होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू कॉन्टैक्ट में, ऊपर वाला। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एक्साइटिंग कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद उस बंदे का नाम यहाँ पे एंटर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। उस बंदे का नाम हमने यहाँ पे लिख लिया है। अगर आप उसका और भी डिटेल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर नीचे, और यहाँ पे आप सेव करने के लिए, अगर आपको उसका बंदे का फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ कैमरे के आइकन पर से क्लिक करके टैग फ़ोटो या फिर सेलेक्ट एक गैलरी में से उसका फ़ोटो आप निकाल कर यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर नाम सेव करने के लिए यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है वो अब सेव हो जाएगा और आपका नाम अब व्हाट्सएप में शो होना स्टार्ट करेगा। चलिए हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस बंदे का नाम यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे नाम को सेव कर दिया है व्हाट्सएप में भी। तो दोस्तों, इस तरह से आप व्हाट्सएप में नाम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो जो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।